हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। वैसे तो मैं एक टीचर हूँ और मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ। आज की जो वीडियो थोड़ा हटके है, टॉपिक से बिल्कुल हटके है, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनमें से कुछ सब्सक्राइबर जो हैं यूट्यूब क्रिएटर भी हैं। और अभी कल मतलब या कल तो नहीं, आज ही लगा लो, क्योंकि रात के 12 बजे एक मैसेज आया है, यानी मेल आया है यूट्यूब की तरफ से, जिसमें लिखा है कि आपको अब अपनी टोटल इनकम पर 24% टैक्स पे करना होगा। तो जितने भी हमारे क्रिएटर थे, जो सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो वो मेरे को बार बार मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर एक बार इसको देखना क्या है, हम नहीं जानते हैं, आपको थोड़ा नॉलेज है। देखो मैं आपको बता दूँ, मैं एक टीचर हूँ और मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ, टेक वीडियो में नहीं बनाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मजबूर होकर ये वीडियो बनानी पड़ी। वैसे तो मेल में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या करना है और कैसे करना है, और डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ यूट्यूबर क्रिएटर तो ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर एक ऐसी ऐसी वीडियो बना दी हैं कि इनके जिनको देखकर हर एक यूट्यूबर क्रिएटर अब डर रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो अभी मेल आई है इसे डरने की जरूरत नहीं है, और इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, और 100% मैं श्योर हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो सुनने के बाद, कि आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100% गारंटी के साथ। और कोई भी आपको 24% टैक्स नहीं देना होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो हर एक जानकारी के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है मुझे मजबूर होकर इसलिए बनानी पड़ी, क्योंकि मैंने जब वीडियो देखी यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ पर ऐसी ऐसी वीडियो बना रखी हैं 24% टैक्स या समथिंग, ये वो पता नहीं क्या क्या, और वो भी बड़े बड़े यूट्यूबर। मुझे मतलब अब शर्म आ रही है कि वो यूट्यूबर तो हैं इतने बड़े हुए, लेकिन उनको पता ही नहीं लग पा रहा कि वो किसके अकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं। बस उनको अपने व्यू जनरेट करने से मतलब है, बस वीडियो बना दी और लोग उसको देख रहे हैं, उनसे और कोई मतलब नहीं उनके ऊपर। बैड इफेक्ट पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, कोई मतलब। तो जानकारी ये है कि मेल आई और मैंने भी देखा, तो मेल में आपको दिखाना भी चाहूँगा। तो यहाँ पर ये मेल है, देखो जितनी भी आप YouTube पे वीडियो देखोगे तो सब में क्या करेंगे कि इस मेल को पढ़ के दिखा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको मेल को सेलेक्ट किया, उठा के हिंदी में कन्वर्ट करके दिखा दिया, ठीक है। वो तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन इस मेल का मतलब क्या है, इसमें बताया क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। और कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। देखो इस मेल में साफ साफ लिखा गया है कि अब 2021 यानी मई तक अगर आप अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन एडसेंस में अप्लाई नहीं करते हो, तो आपको 24% टैक्स पे करना होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन कब पे करना होगा, क्यों पे करना होगा। पहले तो 24% टैक्स नहीं लगेगा, ये बात आप ध्यान से सुन लो। 24% टैक्स कब लगेगा वो भी बताऊंगा। देखो आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो और आप वीडियो बनाते हो, आपकी वीडियो ज़्यादातर कहाँ देखी जाती है, इंडिया में, पाकिस्तान में या यूएसए में, ठीक है। जहाँ तक मेरे जो क्रिएटर हैं वो सारे इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं या नेपाल के हैं, यूएसए का तो बहुत कम है। यानी यूएसए में अगर आपकी वीडियो देखी जा रही है, तो वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग जो टैक्स होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है छोटी सी, क्या है वो, ये कहा गया है कि 31 मई तक आपको अपनी टैक्स डिटेल जो है अपने एडसेंस के अंदर फिल करनी होगी। और यदि आप टैक्स डिटेल फिल नहीं करते हो, तो आपके ऊपर 24% टैक्स लगेगा। अब ये टैक्स डिटेल होती क्या है, कुछ नहीं होता है, आपका जो पैन कार्ड होता है, आपकी जो ITR होती है, उनकी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हो। अब कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके पास पैन कार्ड ना हो, वो टैक्स ही ना भरते हों, तो उनको तो देखो भी मैं कहूँगा कि आपको शायद 24% टैक्स पे करना पड़ सकता है। और फिक्स 24% नहीं है, ये 24% तक है, आपके पास 20% भी टैक्स लग सकता है, 18% भी टैक्स लग सकता है, और 24 भी लग सकता है। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपने यदि पैन कार्ड नहीं बनवाया हुआ, तो आप अपना पैन कार्ड बनवा लें। जहां तक मेरा ख्याल है कि सभी के पास पैन कार्ड होगा, और पैन कार्ड है तो आप अपनी ITR जल्द से जल्द फिल करवा लें। फिल करवाने के बाद चाहे आप नील की फिल करवाएं, चाहे आप जितनी मर्जी भी टैक्स की फिल करवाएं, यहाँ तक कि अगर आपको नहीं पता कि टैक्स इन्फॉर्मेशन क्या होता है, टैक्स भरना है कि नहीं भरना है, आप CA के पास जाएं, उसको बोल दें कि नील की मेरी ITR भर दो। कुछ नहीं लेगा आपसे, 500-600 रुपये लेगा,
उसके बाद आपकी टैक्स डिटेल फिल हो जाएगी, वही टैक्स डिटेल आपने अपने एडसेंस के अंदर फिल करनी है। यदि आप किसी रीजन की वजह से 24% सॉरी अपनी टैक्स डिटेल नहीं फिल कर पाते तो आपको 24% टैक्स देना पड़ सकता है वर्ल्ड वाइड जो भी आपकी इनकम होगी। लेकिन मान लो आप अपनी टैक्स डिटेल भर देते हो, सब कुछ ओके है, उसके बाद भी टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन वो 24% नहीं लगेगा। देखो यूएसए के अंदर आपकी जितनी भी अर्निंग होगी, यानी आपकी वीडियो यदि यूएसए के अंदर देखी जाती है, मान लो आपने यूएसए में 1000 रुपीज़ कमा ली, उस 1000 रुपीज़ पर 24% टैक्स नहीं लगेगा। वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग 1% 2% टैक्स होगा, वो आपको पे करना पड़ेगा, जो कि जायज़ भी है, लेकिन 24% टैक्स नहीं पे करना होगा। और यदि आपकी वीडियो इंडिया में देखी जाती है, पाकिस्तान में देखी जाती है, कहीं भी देखी जाती है यूएसए को छोड़ के, तो वहाँ पर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ यूएससी के अंदर अगर आपकी वीडियो देखी जाती है तो वहाँ पर आपको सिर्फ टैक्स पे करना होगा। अदरवाइज़ किसी भी कंट्री में अगर आपकी वीडियो देखी जाती है, वहाँ से आपको अर्निंग आती है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है यहाँ पर। बस ये नोटिस इसलिए आया है कि आप 31 मई तक अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करें, और अभी तो आपके पास टाइम है, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तब तक तो क्या पता कोई नया अपडेट आ जाए, या नहीं भी आ पाता तो आप मुझे कमेंट करें, आपको कोई बात नहीं समझ में आ पा रही है, टैक्स डिटेल कैसे फिल करनी है, कहां पर क्या करना है, तो इसके अकॉर्डिंग भी शायद मैं वीडियो बना दूँ, लेकिन वो यदि आप मुझे कमेंट करते हो तो, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। मेरा पर्पज़ बनाने का यही है इस वीडियो का, तो ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि इस मेल के अंदर बताया क्या है। कुछ नहीं बताया है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस ये कहा गया है कि 24 मई तक सॉरी 31 मई तक आप अपनी टैक्स डिटेल फिल करें, अदरवाइज आपको आपकी टोटल इनकम पे 24% टैक्स देना होगा। टैक्स डिटेल फिल करने के बाद आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होगा, सिर्फ और सिर्फ यूएसए के अंदर जो आपकी अर्निंग होगी उसमें आपको 24% नहीं, वो भी वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग 1% 2% जो टैक्स होगा वो फिल करना पड़ेगा। आपकी अर्निंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप ये सोच रहे होगे कि मेरी इनकम अब 24% कट के आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, आपकी अर्निंग जो है वो उतनी आएगी और 31 मई तक तो पूरी आएगी। 31 मई के बाद यदि आप टैक्स डिटेल फिल नहीं करते हो तो आपकी 24% कट सकती है। यदि इन फ्यूचर आपकी 24% ये टैक्स कटने लग जाए तो आप मेरे को कमेंट कर देना कि सर मेरी ये कटने लगी है, इसका सोल्यूशन क्या है। उसका सोल्यूशन भी है, मैं आपको दिखाना चाहूँ एडसेंस में किसी किसी का। अब यहाँ पर देखो मेरे पास एक मैसेज आ गया है कि आप अपनी टैक्स डिटेल जो है फिल करें। तो अगर आपको ये फॉर्म भी फिल नहीं करना आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या करना होता है अभी किसी को नॉलेज नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा यदि आप मुझे कमेंट करते हो तो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने यही बताना था कि जो आपका अभी ये 24% टैक्स का जो अभी नोटिस आया है, मेल आया है, इसको आप इतना सीरियसली ना लो, इसको इग्नोर करो। 31 मई तक तो इग्नोर कर सकते हो, बस आपको इग्नोर इतना भी नहीं करना है कि भाई अब टैक्स डिटेल भरनी ही नहीं है, भाई भरनी पड़ेगी, मुझे ही भरनी पड़ेगी, आपको ही भरनी पड़ेगी, और जो भी यूट्यूब क्रिएटर है जो इनकम कर रहा है यूट्यूब से, उसको अपनी टैक्स डिटेल फिल करनी ही पड़ेगी। बस डरने की जरूरत नहीं है कि 24% टैक्स नहीं कटेगा, वो तो तब की बात, ये सिर्फ डराने के लिए है कि अगर आप टैक्स डिटेल नहीं फिल करते हो तो आपको 24% फिल करना पड़ेगा। तो इसलिए इस 24% के डर में सारे अपने टैक्स डिटेल फिल कर देंगे, ठीक है, और करनी भी चाहिए, ये लीगल भी है, इनलीगल कुछ नहीं है। आप अपनी टैक्स डिटेल फिल करो, 1% 2% टैक्स लगेगा, वो भी आपका यूएसए अर्निंग पे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जानकारी मिली होगी कि जो ये 24% की अफवाह है, या जो अभी आपको यूट्यूब पर डरा रहे हैं, वो आपकी क्लियर होगी होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें मुझे, तो मैं आपको बताऊँगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।